आप भी अपना घर सजाना चाहते हो और वो भी हैंडमेड खुद की बनी चीज़ों से, तो गाइज आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। हाय गाइज, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कश्मीरा एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे वॉल डेकोर आइडियाज शेयर करने वाली हूँ, 5 ऐसे वॉल हैंगिंग DIY शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है, जो आपके घर को बहुत अच्छे से सजा देंगे। और जो भी कोई आपके घर में आएगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये DIY आपने कहाँ से लिया, ये आर्टवर्क आपने कहाँ से लिया, या फिर ये किसने बनाया है, और ज़रूर उस आर्टवर्क की तारीफ होगी। इसके लिए जो आपको मटेरियल लगेगा वो सब कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला DIY। पहले DIY के लिए मैंने लिया है ये नेचुरल वुड का बोर्ड और इसके ऊपर मैं ये दे रही हूँ वुड स्टेन। आपके घर में भी पुराना फर्नीचर होगा और उसको आप नया लुक देने के लिए कारपेंटर को बुलाते होंगे और वो भाई साहब लेके आते होंगे एक पॉलिश, राइट? तो वो जो पॉलिश वो लेके आता है ना, ये पॉलिश वही है, बस कंपैरिजन में ये जो है क्लीन करने के लिए ज़्यादा ईजी है। मतलब इसको पेंट करने के लिए आप किसी भी ब्रश को यूज़ करोगे तो ब्रश आप इजीली क्लीन कर सकते हो और ये इजीली ड्राई भी हो जाता है। तो इस तरह से मैं पूरा कलर दे चुकी हूँ और वो इमीडिएटली ड्राई भी हो चुका है। अब इसके बाद मैं ये स्टेंसिल जो है इसको फिक्स कर दूँगी और ये मिक्स मीडिया पेस्ट यूज़ करके जो बिलीव वर्ड है उसको मैं अच्छे से ट्रांसफ़र कर दूँगी। अगर आपके पास मिक्स मीडिया पेस्ट नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो, वाइट एक्रेलिक या फिर वाइट चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हो और उस तरह से भी आप जो वर्ड है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर मिक्स मीडिया पेस्ट है तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो फिर डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। अब इमीजिएटली मैं स्टेंसिल को रिमूव कर दूँगी और स्टेंसिल को आपको जो भी स्टेंसिल आप यूज़ करें उसको इमीजिएटली क्लीन करना है। फिर ये जो हैंडमेड फ्लावर्स है, ब्यूटीफुल से हैंडमेड फ्लावर्स है, उसको यूज़ करके इसको डेकोरेट करूँगी और ये हमारा पहला इजी सा DIY बन चुका है। सेकेंड DIY के लिए मैंने लिया है ये थोड़ा अलग शेप का MDF बोर्ड और इसके ऊपर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर अप्लाई कर रही हूँ और ये जो है ये थोड़ा चॉपिंग बोर्ड जैसा शेप है इसका। और अब इसके ऊपर मैं क्रैकल मीडियम, वन स्टेप मीडियम जो होता है उसको लगा रही हूँ और आप देख सकते हो मैंने सिर्फ आउटर पोर्शन में ही लगाया है, बीच में मैंने नहीं लगाया है। अब इसके ऊपर मैं चॉक पेंट दे रही हूँ वाइट और ये एक ही डायरेक्शन में आपको देना है, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इमीडिएटली आप देख सकते हो कि क्रैक्स जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर देना था। अब इसके बाद मैं डेकोपाज पेपर यूज़ करने वाली हूँ और पेपर मैं इस तरह से कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे शार्प एजेस नहीं चाहिए थे। तो इस तरह से आपको जो भी डिज़ाइन आपको इसके ऊपर लगानी है उसको कट करना है और फिर डेकोपाज ग्लू यूज़ करके मैंने इसको स्टिक कर दिया है। स्टिक करने के बाद आपको वापस डेकोपाज ग्लू लगाना है इसके ऊपर और फिर इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद मैं 2 कलर्स यूज़ करने वाली हूँ। जो पिंक शेड है वो मैं सिर्फ बॉर्डर के ऊपर दे रही हूँ, इसके जो साइड्स है इसी के ऊपर दे रही हूँ स्पंज यूज़ करके, और एक पर्पल शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ। जो पर्पल शेड है थोड़ा सा अलग है, उसको मैं सिर्फ ऐसे जैसे हम पानी छिड़कते हैं उस तरह से सिर्फ हल्के हाथ से मैं इसके ऊपर इफ़ेक्ट दे रही हूँ वो वाले कलर का, क्योंकि वाइट और पिंक थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा ही कॉन्ट्रा दे रहा है इफ़ेक्ट, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उस पर पर्पल का एक ऐड किया है और ये देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसको ड्राई होने के बाद मैंने दिया है वार्निश और ये बन गया हमारा सेकेंड DIY। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड DIY। तो इसके लिए आपको लगेगा ये प्रीमार्क MDF बोर्ड, कलर्स, क्ले, बहुत सारे मिरर्स, ऑलमोस्ट 10 टाइप के मिरर लिए हैं मैंने इस आर्टवर्क के लिए, ब्रशेस, फेविकॉल और वार्निश, और यस वाइट कलर भी आपको लगेगा जो इसमें ऐड किया हुआ है मैंने। तो ये वाला जो किट है वो आपके लिए परफेक्ट है अगर आप ये वाला आर्टवर्क बनाना चाहते हो तो, और ये किट हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ मोल्डेड का क्ले और क्ले यूज़ करने से पहले हमें जो टैल्कम पाउडर होती है उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना है सरफेस के ऊपर और हाथ पे भी लगा लो, क्योंकि जो उसका स्टिकीनेस होता है वो फिर आपके हाथ को नहीं लगेगा। 2 पार्ट में होते हैं क्ले, तो 2 पार्ट को आपको इक्वल पोर्शन में लेना है और उसको इस तरह से मिक्स कर लेना है तब तक जब तक उसका कलर एक नहीं हो जाता, और फिर आपको इस तरह के रोल कर लेने हैं पूरे
और बहुत सारे रोल्स बना लो। पहले तो आप कम क्वांटिटी में लो, क्योंकि अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्ले लोगे तो वो जल्दी हार्ड हो जाता है और उसके पहले आपको फटाफट काम नहीं कर पाते आप, क्योंकि आप अगर बिगिनर लेवल पे हो तो आपको वो थोड़ा हार्ड जाएगा। इसलिए थोड़े थोड़े क्वांटिटी में क्ले लो और फिर उसको मिक्स करो और ऐसे लाइंस बना के फिर आप फेविकॉल यूज़ करके अपना जो भी प्री मार्क्ड एमडीएफ बोर्ड है उसके ऊपर आप डिज़ाइन बना सकते हो। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो ये जो पहले से बनी हुई डिज़ाइन है वो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आप प्लेन बोर्ड पे काम करना स्टार्ट करोगे, पहले आप डिज़ाइन बनाओगे, फिर डिज़ाइन बनाने में आप ज़्यादा मतलब आपको टाइम लग जाएगा और वो थोड़ा सा हार्ड भी जाता है, तो आप उसी में थक जाओगे और फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो चला जाएगा। इसलिए जो बिगिनर लेवल की किट होते हैं इसके लिए हमने ये प्रीमार्क बोर्ड चूज़ किया है, ताकि आपको वो वाला जो पूरा स्टेप है वो आप स्किप कर पाए और आपको बनी हुई डिज़ाइन मिल जाए, तो उसके ऊपर आप फटाफट से काम कर सकते हो, राइट। तो डिज़ाइन आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है आपके बोर्ड के ऊपर, आपको उसी डिज़ाइन को रेफरेंस लेके क्ले का जो हमने लाइंस बना लिए हैं, जो रोल्स बना लिए हैं, वो इस तरह से स्टिक करने हैं। तो ये आप देख सकते हो मैंने बीच का जो फ्लावर है वो बना लिया है और फिर आगे मैं थोड़ा सा और थिन लाइंस बना के इस तरह से मैं उसको कर रही हूँ पूरा। और जो टूल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वो टूल अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में कोई भी ऐसा टूल होता है वो यूज़ कर सकते हो, जैसे आप टूथपिक होता है वो यूज़ कर सकते हो या फिर कटर यूज़ कर सकते हो आप इसके लिए। मतलब नॉट नेसेसरी कि इतना सा एक आर्टवर्क बनाने के लिए आपको मार्केट में जाके पूरे टूल का सेट लेना पड़ेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, आप घर में जो चीज़ें होती है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आप किस तरह से डिज़ाइन हमारी पूरी बन रही है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइन जितनी है उतनी आपको करनी ही है, ये भी ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो थोड़ी बहुत डिज़ाइन स्किप भी कर सकते हो। जैसे मैंने फ्लावर के बीच में जो डिज़ाइन है वो स्किप की है, वहाँ पे मैं बड़े साइज़ के मिरर्स लगाने वाली हूँ, तो उस हिसाब से मैंने वो वाला जो है वो स्किप कर दिया है। और मैंने इस हिसाब से भी स्किप किया है कि ये अगर अंदर भी मैं क्ले करती तो मिरर्स लगाने के लिए मुझे जगह नहीं बचती, इसलिए तो ये वाला मैंने छोड़ दिया है, प्लस अंदर का ये वाला छोड़ दिया है, बाकी मैंने सब क्ले पूरा कर दिया है। अब इसके बाद आपको इसको पूरा ड्राई होने देना है अच्छे से, तो उसको साइड में रख दो आराम से और तब तक कुछ के लिए कुछ और काम कर लेना। और फिर ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर देने वाले हैं वाइट जेसो। आप वाइट जेसो भी दे सकते हो या फिर आप वाइट एक्रेलिक कलर भी दे सकते हो, दोनों में से जो भी आपके पास है आप इजीली इसको दे सकते हो। अब क्या होता है, आप डायरेक्टली कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, बट कलर्स आप डायरेक्टली अगर यूज़ करते हो तो वो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं देते, इसलिए हम पहले वाइट का कोट देंगे। और जो क्ले होता है उसके ऊपर भी तो हमें वाइट कलर देना होता है, तो इसलिए मैंने पहले वाइट कलर दिया है। वाइट कलर का दो कोट्स देने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर इसके ऊपर आप जो चाहे वो कलर्स यूज़ कर सकते हो, फेविक्रिल के यूज़ कर सकते हो या फिर आप मल्टी सर्फेस पेंट्स यूज़ कर सकते हो, चॉक पेंट्स यूज़ कर सकते हो, जो भी कलर्स आपके पास है आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ये किट परचेस कर रहे हो तो फिर आपके पास तो सेम वही कलर्स होंगे जो मैंने यूज़ किए हैं। और कलर्स पेंट करने के लिए आप राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी किट में दिया हुआ है आपके लिए। तो राउंड ब्रश आपको फिनिशिंग के लिए प्लस क्ले के ऊपर वाइट पेंट देने के लिए सब जगह पे आपको राउंड ब्रश यूज़ हो जाएगा। और जो पहला स्टेप हम करते हैं वाइट पेंट देने के लिए, उसके लिए आपको फ्लैट ब्रश का यूज़ हो जाएगा। और ये जो तीन फेविक्रिल के कलर्स है, ब्यूटीफुल शेड्स है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ इस आर्टवर्क के लिए। और आप देख सकते हो कि क्या लुक आ रहा है इसका। और जानबूझ के मैंने पूरा टाइम लैप्स रखा है, ताकि आप देख के बना सकते हो उसको कि किस तरह से मैं पेंट कर रही हूँ, ये आप क्लियरली देख पाओ, ठीक है। तो ये जो तीन शेड्स है वो यूज़ किए हैं मैंने इस आर्टवर्क के लिए। और फिनिशिंग देखो आप किस लेवल की फिनिशिंग दिख रही है। अगर कोई भी आर्टवर्क आप अपने मन से अच्छे से बनाते हो ना, एकदम ध्यान देके, तो गाइस फिनिशिंग अच्छी ही आती है। तो मैं आपको ये चीज़ रेकमेंड करूँगी इस लिपन आर्ट के लिए कि आप पूरा टाइम दे के अच्छे से उसको आराम से बनाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फाइनल आर्टवर्क जब आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा खुशी होगी। अब ये जो कलर्स है वो जब आपके देके हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वाइट कलर का एक कोट देना है सब क्ले के ऊपर फिनिशिंग के लिए, और फिर उसको भी अच्छे से ड्राई होने देना है। और फिर
जब आपके सारे कलर्स ड्राई हो जाए फिर आप ये वार्निश अप्लाई कर दो। वार्निश अप्लाई करने के बाद वापस आपको उसको ड्राई होने देना है और फिर आपको करना है मिरर वर्क। इस आर्ट वर्क के लिए मैंने स्पेसिफिकली बहुत अलग अलग शेप के मिरर यूज़ किए हैं। आप देख सकते हो बहुत फैंसी मिरर्स भी यूज़ हुए हैं और ये मिरर्स बहुत सुंदर दिख रहे हैं। फाइनल आर्ट वर्क जब आप देखोगे, ये देखो इसका फाइनल लुक है, कितना सुंदर लुक आया है वो फैंसी मिरर्स की वजह से। ये सारे मिरर्स आपको किट में मिल जाएंगे और ये आर्ट वर्क आप इजीली बना पाओगे। सो गाइज, आपको ये वाला आर्टवर्क कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस DIY के लिए मैंने लिया है ओवल शेप का MDF बोर्ड और इसके ऊपर ये स्टेंसिल यूज़ करने वाले हैं हम। स्टेंसिल पहले आपको फिक्स कर देना है और उसके बाद इसके ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ मिक्स मीडिया पेस्ट। अब जो पहले वाले DIY में हमने यूज़ किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि आप चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हो, बट ये वाला जो है इसमें आपको मिक्स मीडिया पेस्ट ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक लेयर का मैं ये दे रही हूँ, इफ़ेक्ट दे रही हूँ, मतलब एक और एक लेयर आनी चाहिए, ऐसा इफ़ेक्ट इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरह से दिख रहा है ये। अगर आप चॉक पेंट यूज़ करोगे तो वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब इसके ऊपर मैं दे रही हूँ वाइट जैसो। जैसो आपको पूरे आर्टवर्क पे दे देना है और फिर उसके बाद ये दो कलर्स यूज़ करके मैं इस तरह से डैप करके उसको दे रही हूँ। डैप करके उसका जो टेक्सचर आता है ना वो अलग आता है। अगर आप चॉक पेंट या फिर कोई भी पेंट ब्रश से देते हो तो वो प्लेन दिखता है और ऐसे इस तरह से स्पंज से देते हो तो अलग दिखता है। इसके बाद ये जो होम स्वीट होम का चिपबोर्ड है वो यूज़ कर रही हूँ मैं। इसके ऊपर मैं पेंट करूँगी क्योंकि ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कोई कुछ डिफरेंट पेंट करते हैं, इसके ऊपर कलर देते हैं। तो ये कलर मैंने दे दिया है, राउंड ब्रश यूज़ करके आप उसको दे सकते हो। इसको ड्राई होने दो और फिर सिलिकॉन ग्लू यूज़ करके ये इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। इसके बाद हमें देना है वार्निश पूरे आर्टवर्क के ऊपर, अच्छे से वार्निश अप्लाई कर देना है। और वार्निश ड्राई होने के बाद ये हैंडमेड फ्लावर यूज़ कर रही हूँ मैं इसको डेकोरेट करने के लिए। एंड ये हमारा वॉल हैंगिंग बन चुका है। इसको पीछे से हुक अटैच करके आप कहीं पे भी इसको हैंग कर सकते हो। आज की वीडियो का जो पांचवा DIY है वो है ये वुडन प्लैंक से बना हुआ वॉल हैंगिंग। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वुडन प्लैंक। ये वुडन प्लैंक मेरे घर में पड़ा हुआ था, फर्नीचर का काम चल रहा था तब बचा हुआ था ये। अगर आपको भी ऐसा चाहिए है तो आप किसी भी वुड के शॉप में चले जाओ, आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं वो वुड स्टेन दे रही हूँ जो हमने पहले DIY में दिया था, वही वाला। अब ये जो कोस्टर्स है इसके ऊपर मैं ये मल्टी सर्फेस पेंट अप्लाई कर रही हूँ। आप चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हो या एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हो। इसको ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर पहले पेंसिल से मार्किंग कर रही हूँ और फिर ये वाइट वाला कलर यूज़ करके मैंने जो लेटर्स है वो अच्छे से पेंट कर दिए हैं। तो मैंने लिखा है एक पे टी, एक पे ए और एक पे ई। तो हमारा ये टी लवर्स के लिए बन गया है वॉल हैंगिंग। तो इस तरह से फेवी बॉन्ड यूज़ करके हमें उसको स्टिक कर देना है और फिर एंड में वार्निश अप्लाई करना है फिनिशिंग के लिए। और ये हुक मैंने पीछे से अटैच कर दिया है और ये हमारा किचन के लिए वॉल हैंगिंग रेडी हो चुका है। अगर आपको भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना प्यार करते हो आप चाय से। सो गाइज, इन पांचों DIY में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ऐसे ही नए नए DIYs देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।